सबसे आसान क्या होता है? सबसे आसान होता है कि कहीं से नोट्स मिल जाए, बस सीधा का सीधा हलवा परोस दिया और उसको खा लिया। लेकिन ध्यान रखना, उस हलवे का जो स्वाद है वो उसी को आएगा जिसने उसको बनाया है, यानी कि नोट्स जिसके बने हुए हैं ना, नंबर भी उसको मिलने वाले हैं, तुम्हें नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत क्रूशियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है हाउ टू मेक नोट्स। देखो बच्चों, ये आपने काफी जगह देखा भी होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, लेकिन मैं आपको जो आज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, मैं आपको जो आज टिप्स बताने वाली हूँ, वो ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है, क्योंकि इन्हीं टिप्स की वजह से आज ई सरल के पास 20 नेशनल टॉपर्स है। 15 में से 6 बच्चे बिहार, टॉप 15 में से टॉप 6 जो है आज ई सरल के साथ है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में टॉप 10 में रैंक, गोवा बोर्ड में टॉप 10 में रैंक, ओडिशा बोर्ड में टॉप 10 में रैंक, यूपी बोर्ड में टॉप 10 में रैंक। ऐसे रिजल्ट कहीं नहीं, सिर्फ ई सरल के पास है। और वो क्यों है? वो इसलिए कि हर छोटी चीज पे यहाँ काम किया जाता है। मैं आपको आज इस वीडियो के एंड में जो हमारे ई सरल के स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स भी दिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ एंड पे बने रहना। तो सबसे पहली बात यहाँ आती है, यार नोट्स बनाने क्यों जरूरी है? क्या है, मैम दे रही है, सब कुछ है, भैया दीदी ने मुझे नोट्स दे दिए, ऐसे कैसे मैं ले लूंगा, मैं खुद इतनी मेहनत क्यों करूं? अगर आप खुद इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो ये मान के चलो कि अगर आपने ले रखा है सपना 95% का, तो वो भूल जाना। नोट्स बनाने जरूरी होते हैं, साइंटिफिक रीजन इज, अरे यार अगर खुद की लिखी हुई कोई चीज है तो वो हमें ज्यादा याद रहती है, ज्यादा समझ में आती है। एग्जाम में भी अगर हमें कभी लगता है ना कि यार यहां मैंने इसके बाद क्या लिखा था, या कहीं चीज आप भूल जाते हो तो आपको याद आता है, नहीं यार इस लाइन के बाद मैंने ये वर्ड लिखा था, इसके लिए मैंने ये पेन यूज किया था, ये डायग्राम मैंने इस तरह बनाया था, इवन डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपकी वहीं की वहीं हो जाती है। वरना आप क्या करते हो, बस पढ़ते रहते हो, डायग्राम को भी ओरली देख लिया, न्यूमेरिकल्स को भी ओरली देख लिया। तो बच्चों ऐसे नहीं होता है। तो वीडियो को बिल्कुल बड़ा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहली जो टिप है वो होती है क्लास में अटेंटिव रहना। भाई क्लास में अटेंटिव रहने की क्या जरूरत है, बातें कर लो, वैसे भी टीचर पढ़ा तो रही है, बाद में खुद ही पढ़ना है, बाद में ट्यूशन पढ़ेंगे। अरे ऐसे नहीं होता है, अगर क्लास में अटेंटिव रहोगे तो चीजें समझ में आएगी। अगर चीजें समझ में आएगी तो नोट्स बनाते वक्त आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स पता होंगे कि यार मैम ने मुझे इस चीज के लिए ये एग्जाम्पल दिया था, तो वो भी मैं अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, उससे चीजें और क्लियर हो जाती है और आपके पास डिफरेंट वैरायटीज के एग्जाम्पल होते हैं और चीजें और अच्छे से विजुअलाइज होती है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को यूज करो नोट्स बनाते हुए। अब आप बोलोगे मैम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या होता है? सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कोई एक बड़ी डील नहीं है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है कि प्रॉपरली लिखना। प्रॉपरली कैसे लिखना? हेडिंग डालो, उसकी सब हेडिंग डालो, जितना भी पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को एज इट इज कॉपी मत करो, पैराग्राफ को पॉइंट्स बनाकर लिखो, कोशिश करो उन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स में बनाऊं और जितना हो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखूं, क्योंकि अगर आप खुद की लैंग्वेज में लिखते हो तो वो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होती है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। नेक्स्ट है अपने ओन वर्ड्स में लिखना, ये मैं अभी कवर कर ही चुकी हूँ। अपने ओन वर्ड्स में लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही चीज ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल क्लियर कट होती है। नेक्स्ट है हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जब नोट्स बना ही रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्यों हाईलाइट करना है? देखो मैं बताती हूँ, जो आपके नोट्स होते हैं ना वो डिफरेंट लेवल ऑफ नोट्स होते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ नोट्स का मतलब क्या होता है? देखो जो आपके फर्स्ट टाइम के नोट्स होते हैं वो आपके पूरे पूरे नोट्स होते हैं, लेकिन हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन वो होती है जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम से एक दिन पहले आपको 15 चैप्टर सेम डे रिवाइज करने हैं, तो वो 15 चैप्टर सेम डे आप पूरे रॉन्ग नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप उसमें क्या करोगे? तो आप उसमें करोगे कि जो आपके जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो पढ़ते जाओगे, क्योंकि उसी में आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। यानी कि आपको अलग से कोई लेंथी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मीडियम नोट्स बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक सेट ऑफ नोट्स बनाने हैं और वो एक सेट ऑफ नोट्स ही हमारे काम करेंगे, हमारे मेन एग्जाम के लिए, हमारे पीरियडिक टेस्ट के लिए, हमारे फाइनल एग्जाम के लिए।
क्लियर है कि हाईलाइट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इंक्लूड एग्जाम्पल्स। व्हाई, क्यों करें एग्जाम्पल्स इंक्लूड? इसलिए क्योंकि कितनी बार होता है कि आपसे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, जस्ट एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में। और ये सोचो अगर आप 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 5 मार्क्स में आपके पास पूरा एक सेट ऑफ पैटर्न होना चाहिए कि मुझे क्या क्या लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मोटर की वर्किंग पूछिए तो वो मोटर की वर्किंग में अगर आपको लिखना है तो आपके पास एक सेट ऑफ पैटर्न होना चाहिए। भाई पार्ट नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर के क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, फिर जो पूरी वर्किंग है डिटेल में वो लिखेंगे, उसके पार्ट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड में लिखेंगे कि यार मोटर कहाँ कहाँ यूज होती है, उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो जब आप इस तरह पूरा लिखोगे विद डायग्राम लिखोगे या विद फ्लो चार्ट लिखोगे और उसमें अगर आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड भी करते हो तो टीचर्स देखते हैं यार इस बच्चे ने देखो सारी 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 चीजें लिखी है, तो हाँ भाई इसको आराम से नंबर पूरे दिए जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डायग्राम्स एंड विजुअल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार क्या होता है हम एग्जाम में क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पेपर स्टार्ट करते हैं, हमने पेपर स्टार्ट किया, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब हम क्या करते हैं, शुरू के क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं कि बाद वाले क्वेश्चन पे आते आते हमारे पास उतना टाइम नहीं बचता, ये कंडीशन आती ही आती है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता भी है और अगर आपको उसका डायग्राम या उसका विजुअल या उसका फ्लो चार्ट कुछ भी पता है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी लिखो, तो मैं आपको गारंटी कहती हूं कि अगर आपने उसका फ्लो चार्ट या उसका डायग्राम पूरा सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर लेबल्ड करके अच्छे से बनाया है, उसकी पूरी थ्योरी अगर आपने एरोस लगा के पूरी डिटेल ना लिख के फ्लो चार्ट में भी लिख दी है, तो टीचर आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स दे ही देगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायग्राम और विजुअल्स को छोड़ो ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो हमको यही करके जाना है, लेकिन ये एक ऑप्शन है क्योंकि 90% बच्चों के साथ होता है कि एग्जाम में उनका पेपर छूटता ही छूटता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट, रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली, वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन। अब आपको लगता है कि यार मैम तो अभी स्टार्टिंग ही है, अभी से रिविजन करके क्या करेंगे? रिवीजन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो अभी आपके पीरियडिक टेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, आपने अगर जिन बच्चों के स्कूल्स अप्रैल में खुल गए होंगे तो तब उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, अब 2 महीने में सब पूरा दिमाग से बिल्कुल चला गया होगा, अब भी अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपका तो पूरा क्या हो जाएगा, सब दिमाग से बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए एक आदत डाल लो, रिविजन की आदत डाल लो कि यार मैंने जितना भी पढ़ा है हर 3 दिन में एक दिन उसको रिवाइज करूंगा। और रिवाइज कैसे करूंगा, रिवाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। कुछ नहीं करना, जो पढ़ना था पढ़ लिया, बुक बंद करके एक तरफ रख दी, उसके बाद क्या करना है, सीधा एक पेपर उठाना है, उस पेपर को उठा के जितना भी दिमाग में याद है वो बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बुक एक तरफ रख दो, सब कुछ एक तरफ रख दो, बस क्या करना है सिंपल पेपर में लिखते जाना है। उसके बाद क्या करो, उस पेपर को चेक करो कि यार मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। देखना ये इतनी अच्छी टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पेपर पेन लेके बैठना है जिसमें आपका इतना फटाफट रिवीजन होता है। और मैं कह रही हूं कि ये वाला जो रिवीजन होता है ना ये बहुत टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एड पर्सनल एनोटेशन। व्हाट इज पर्सनल एनोटेशन? पर्सनल एनोटेशन होते हैं आपके टीचर्स जो आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देते हैं कोई भी चीज समझाने के लिए, या फिर अगर आपने सेम कंसेप्ट अपने रियल लाइफ में देखा है तो आप उसको एड ऑन करो। आप बोलोगे मैम जब बुक में नहीं है तो क्यों लिखना, क्या उससे मार्क्स आते हैं? हाँ उससे मार्क्स आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि उससे आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर कट हो जाता है, और कंसेप्ट क्लियर कट हो गया ना तो उसके बाद कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपका टीचर पूछ ले, कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर सही होगा ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है समराइज आफ्टर ईच क्लास। व्हाट इज समराइजेशन? समराइजेशन वही है जो मैंने आपको बताया ना, रिवीजन करने की टेक्निक, वो एक तरह से मान लो आप समराइजेशन ही है।
अगर आपको वो ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या करो कि आपका जब भी स्कूल में कहीं पर भी अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपने पढ़ लिया कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, बैक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। फिर जब बैक के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, तो तब आपको एनालाइज होगा कि यार इस चैप्टर में ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट है। अब ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि जब मैंने बैक क्वेश्चन भी कर लिए और प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर के क्वेश्चन देखे। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर के साथ ही देखते जाओ कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे तो ई सरल ऐप पे चले जाना, बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि यार इस चैप्टर से इस पार्ट में बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, और उसी अकॉर्डिंग आप अपना चैप्टर को समराइज करो। ठीक है, नेक्स्ट है सीक क्लैरिफिकेशन। अब ये क्या है, नोट्स में क्लैरिफिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। देखो, पढ़ रहे हो, नोट्स भी बना लिए, लेकिन बीच में कहीं अटक गए। अब समझ नहीं आ रहा इस इतने बड़े पैराग्राफ में कौन सी लाइन लिखूं, इस इतने बड़े पैराग्राफ में कौन सा कंसेप्ट अच्छा है जो मुझे लिखना चाहिए। तो ऐसे जब आपको डाउट आ रहे तो उसका क्लैरिफिकेशन लो, अपने फ्रेंड से पूछो, अपने टीचर से पूछो, ताकि क्या होगा, देखो कभी भी शर्मा शर्मी में नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। टीचर्स है वो आपको हर चीज बताएंगे ही बताएंगे। उनसे पूछ लो कि मैम ये पैराग्राफ में अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ तो मुझे क्या चीज लेनी चाहिए। हो सकता है आपको पता चले कि ये पैराग्राफ तो कोई रेलेवेंट ही नहीं है, तो इसको मेरे नोट्स में इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। खुद सोच के देखो यार, नोट का एक पेज कम हो जाएगा। वैसे भी हम तो बुक उठाने के बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई कितने पेज के नोट्स हैं, तभी तो उतनी टाइम लगेगा पढ़ने में। तो ये काम आप फटाफट से करते हो। वैसे भी देखो ह्यूमन मेंटेलिटी है, हमारे पास अगर एक महीना होता है ना तो हम एक चैप्टर एक महीने में कंप्लीट करते हैं, और मान लो अगर हमारे पास कल टेस्ट होगा ना तो भी हम वो एक चैप्टर आज के आज में कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत नॉर्मल है, ये हम बहुत कर चुके हैं। आप देख सकते हो, सोच सकते हो, पिछली कई क्लासेस में एक चैप्टर करने में कई बार आपको एक महीना दो महीना लग जाते हैं, और वही आप तीन चैप्टर एक एग्जाम के एक दिन पहले भी कर लेते हो। ठीक है, तो इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड। ठीक है, चलो तो अब एक बार मैं आपको ई सरल की स्टूडेंट की नोट्स दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये रे, देखो एसएससी के नोट्स बनाए हुए हैं, देखो इस बच्ची ने। तो देखो उसने कैसे हर चीज, देखो अपन इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, तो देखो कैसे हर चीज पॉइंट्स में लिखी है। देखो इसने इंपॉर्टेंट चीज को कैसे हाईलाइट किया हुआ है। देखो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये बेल्जियम है, देखो इसको भी बिल्कुल पॉइंट्स में लिखा है। जहां वो फ्लो चार्ट या एरो लगा के लिख सकती थी वहां उसी तरह लिखा है। देखो कितने अच्छे से नोट्स बनाए, और देखो एग्जाम के टाइम पे कितना आसान हो गया होगा उसके लिए कि उसको सिर्फ हाईलाइटेड चीज देखनी है। देखो उसने कैसे यहाँ पे क्लॉज वन, क्लॉज टू, क्लॉज थ्री, ये बिल्कुल ऐसे मार्क किए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो बच्चों, नोट्स को खुद बनाओ। अगर आपको और भी नोट्स रिलेटेड डाउट है कि किस तरह करना है, क्या करना है, तो आप मुझे अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मैम नोट्स में ये दिक्कत है, तो मैं आपका जवाब उसके लिए ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू।